जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, एक तरफ मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि कोई शराब घोटाला जैसा चीज हुई ही नहीं है। ईडी सीबीआई पर केंद्र सरकार बीजेपी सरकार दबाव बनाती है, और इसलिए जो गलती यहां पर कही जा रही है कि गलती से संजय सिंह का नाम आया था, यहां तक कि जो नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी जमानत यहां पर हुई है उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तो ईडी और सीबीआई ने भी कह दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है ईमानदारी का। वहीं देखिए गौरव भाटिया ने यहां पर उल्टा पलटवार किया। बिल्कुल, देखिए कथित शराब घोटाले में एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि साउथ लॉबी से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली सरकार को दी गई थी इस शराब घोटाले को लेकर के, और कहीं ना कहीं उन 100 करोड़ का जिक्र बार बार ईडी ने भी किया था, सीबीआई ने भी किया था, और इसके सूत्रधार जो बताए गए थे वो राजेश जोशी थे। यही वजह है कि जब ईडी ने चार्जशीट पेश की तो उसमें राजेश जोशी का नाम डाला गया, लेकिन जब राजेश जोशी के खिलाफ सबूतों को लेकर के चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव पाया गया। हालांकि ईडी ने माना कि जो 70 करोड़ रुपए हैं उसका लेखा जोखा नहीं मिल पाया है, लेकिन 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी साउथ लॉबी से लेकर के दिल्ली पहुंचे और वो पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। हालांकि जब उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई तो उस 30 करोड़ रुपए का भी हवाला नहीं दे पाया गया। यही वजह है कि राजेश जोशी को निचली अदालत ने ईडी के मामले में जमानत दे दी, और यही वजह है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कथित शराब घोटाला एक मनगढ़ंत प्रायोजित घोटाला बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दरअसल दिल्ली के अंदर कोई भी शराब घोटाला हुआ ही नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य ईडी और सीबीआई के पास है, क्योंकि झूठे आरोपों में, मनगढ़ंत आरोपों में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और मनगढ़ंत आरोप लगा करके ये पूरा शराब घोटाला तैयार किया गया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गोवा में खुद ईडी और सीबीआई जांच कर चुकी है और उसने कहा कि सिर्फ 19 लाख रुपए ही कैश खर्च हुए हैं चुनाव में, तो ऐसे में एक सर्टिफिकेट ईडी और सीबीआई की तरफ से उन्हें खुद दे दिया गया है कि हमने सारा पैसा जो है वो चेक के द्वारा खर्च किया है, सिर्फ 19 लाख रुपए कैश खर्च किए हैं, और उसका भी अगर जवाब ईडी या सीबीआई मांगेगी तो हम उसका भी जवाब दे देंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे हमने पैसे को खर्च किया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी कथित शराब घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ ये मनगढ़ंत एक आरोप लगाया गया है जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया तो झांकी है, केजरीवाल अभी बाकी हैं, तो ऐसे में बीजेपी को कैसे पता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल को ईडी और सीबीआई गिरफ्तार करेगी? क्या सीबीआई और ईडी को बीजेपी चला रही है या ईडी और सीबीआई बीजेपी को बताती है कि अब अगला नंबर किसका है, हम किसे गिरफ्तार करेंगे? तो कई सवाल भी उठे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता करके कहा कि मनीष सिसोदिया तो झांकी हैं, केजरीवाल अभी बाकी हैं, और उन्होंने कट्टर बेईमान का भी दर्जा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिया, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कथित शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी भी फ्रंट फुट पे आकर के इन आरोपों को खारिज कर रही है। सुबह संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके कहा कि जिस तरीके से उनका नाम ईडी ने चार्जशीट में शामिल किया और उसके बाद जब उन्होंने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि आखिरकार उनका नाम कैसे चार्जशीट में शामिल हुआ, तो उसके बाद ईडी ने अपनी गलती मानते हुए उनका नाम वापस लिया, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिला है संजय सिंह के नाम को चार्जशीट में डालने को लेकर के। और दूसरा, जिस तरीके से गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत मिली है ईडी के मामले में, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत देता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि आज उन जमानतों को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है बलराम, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी तो देखिए अब ये सवाल उठा रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर संजय सिंह का नाम गलती से डाला गया जांच एजेंसियों की तरफ से, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई नाम क्यों नहीं आया, क्या उनका नाम गलती से क्यों नहीं डाला गया। और साथ ही देखिए मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि संजय सिंह पर जिस तरह से संजय सिंह को लेकर नोटिस यहाँ पर जारी हुआ, अब संजय सिंह ने ईडी को लेकर नोटिस जारी किया है, और ऐसे में अब क्या लगता है आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी का अगला रुख होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए आपको बता दें कि ईडी ने एक बड़ा दावा किया था कि साउथ लॉबी से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी, और उसका जो सूत्रधार है वो राजेश जोशी को बताया गया था। लेकिन जिस तरीके से राजेश जोशी के खिलाफ ईडी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई और कोर्ट के सामने ये बताने में नाकाम रही कि राजेश जोशी ने किस तरह से साउथ लॉबी से पैसा लिया और दिल्ली में आकर के आम आदमी पार्टी के लोगों को दिया, तो कहीं ना कहीं जो सबूतों का अभाव रहा है उसकी वजह से राजेश जोशी को जमानत मिली, और उस जमानत को लेकर के अब आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि अगर ईडी के पास सबूत थे तो उन सबूतों को कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा गया, क्यों निचली अदालत ने पीएमएलए एक्ट के तहत उन्हें जमानत दी, क्योंकि ईडी में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर निचली अदालत से उस आरोपी को जमानत मिल जाती है जिसे सूत्रधार बताया जा रहा हो कि ये 100 करोड़ रुपए के जो लेन देन का मामला है उसमें सूत्रधार है और इसी ने साउथ लॉबी से पैसा लेकर के दिल्ली में आकर के दिल्ली सरकार के लोगों को और आम आदमी पार्टी के लोगों को दिया, और उस पैसे का जो खर्च है वो गोवा चुनाव में किया गया, तो कहीं भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है, और यही वजह है कि राजेश जोशी को जमानत मिली। अब देखने वाली बात यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है वो कहां तक चलता है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक गिरफ्तारी इसी तरीके से होगी और इसी तरीके से लोगों को जमानत मिलेगी। हालांकि सवाल ये भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, तो मनीष सिसोदिया को भले निचली अदालत ने जमानत खारिज कर दी हो लेकिन वो हाई कोर्ट गए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, तो उनके पास अभी कई विकल्प हैं, और जिस तरीके से निचली अदालत ने दो लोगों को आज जमानत दी है, खासतौर से गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को, तो कहीं ना कहीं इस जमानत का लाभ मनीष सिसोदिया को भी मिलेगा और जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी मिलेगा। चलिए बिल्कुल बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कुछ कम होती है या नहीं।